हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी बहुत सी साउथ इंडियन व्यूवर्स की रिक्वेस्ट होती है कि मैं और वीडियोस के साथ साथ कुछ रेसिपी वीडियोस भी अपने चैनल पे शेयर करती रहूं, क्योंकि उन्हें नॉर्थ इंडियन फूड बहुत पसंद है। तो वीकेंड एंजॉय करने का वे सबका डिफरेंट होता है। कुछ लोग मूवीज़ और डिनर पर बाहर जाना पसंद करते हैं, तो कुछ छोटा मोटा ट्रिप ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। लेकिन मेरी जैसी भी कई लेडीज़ हैं जो वीकेंड पर कुछ स्पेशल बना के खुद को और अपनी फैमिली को खुश करने की कोशिश करती हैं। तो इस बार वीकेंड पर मेरा मेन्यू क्या था, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट रेसिपी है बच्चों का फेवरेट व्हाइट सॉस पास्ता। उसके लिए पानी चढ़ा दिया है, थोड़ा सा डालेंगे सॉल्ट और डालेंगे एक स्पून ऑयल। इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। उसके बाद रेडी करेंगे तड़का। पानी बॉयल हो जाने पे डाल देंगे इसमें पास्ता। व्हाइट सॉस बनाने के लिए इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है। व्हाइट सॉस पास्ता की एक रेसिपी मैंने विशाल मेगा मार्ट वाले ब्लॉग में शेयर की है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वेजीज हैं, यहाँ पे कुछ ब्लांच की हुई ब्रोकली है और साथ में पीस रखे हैं फ्रोजन, और साथ में ये वेजीज कट करके मैंने रखी हैं। तो पैन में एक चम्मच ऑयल डालेंगे, उसमें डाल देंगे सबसे पहले कटा हुआ गार्लिक और साथ ही मैंने गाजर डाली है, शिमला मिर्च, ब्रोकली एंड पीस। सब्जी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली जो बच्चे आपके पसंद करते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही ऐड किया है सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर। 3 से 4 मिनट इन्हें ढक के पकाएंगे और पास्ता चेक कर लेंगे। तो देखिए ये आराम से टूट रहा है, तो ये पास्ता रेडी हो गया है। इसे छन्नी में निकाल के साइड रख देंगे। वेजीज चेक कर लेते हैं, तो वेजीज भी रेडी है। और इसके बाद ऐड कर देंगे इसमें पास्ता, इसके बाद रेड चिल्ली पाउडर, मिल्क ऐड करेंगे और मिल्क के बॉयल होने तक की वेट करेंगे। एक कटोरी में यहाँ पे ले रही हूँ मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और कोल्ड वाटर इसमें ऐड करेंगे और इसका एक थिक पेस्ट रेडी कर लेंगे। पास्ता को और भी यमी बनाने के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ मैं ओरिगेनो, यानी कि पिज़्ज़ा सीजनिंग। अब आप देख सकते हैं कि मिल्क जो है वो बॉयल होने लगा है। अब हम अपना कॉर्नफ्लोर का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे, जिससे कि इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत थिक हो जाएगी। तो लीजिए, हमारा व्हाइट सॉस पास्ता रेडी है। तो चलिए अब बनाते हैं कढ़ाई पनीर। उसके लिए एक कढ़ाई में ऑयल डालने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है कटा हुआ प्याज, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटोज। इसको अच्छे से हम भून लेंगे और उसके बाद ठंडा होने पे इसको ग्राइंड करेंगे। कढ़ाई पनीर को बेस्ट फ्लेवर देने के लिए मैं रेडी कर रही हूँ यहाँ पे सूखा मसाला। उसके लिए एक पैन में मैंने लिया है कोरिएंडर सीड्स यानी कि सूखा धनिया, बड़ी इलायची यानी कि ब्लैक कार्डेमम, साथ ही ऐड की है दालचीनी स्टिक यानी कि सिनेमन स्टिक, क्यूमन सीड्स, जीरा, वाइट तिल डाले हैं, छोटी इलायची यानी कि ग्रीन कार्डेमम, सूखी लाल मिर्च, सूखी मेथी। इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसका गरम मसाला रेडी हो जाएगा। अब कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल और साथ ही उसमें मैंने ऐड कर दी है कैप्सिकम और अनियन, जिनको मैंने बड़े बड़े पीसेस में काटा है। इनको काटने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, इसकी हमने परतें निकाल लेनी है अलग अलग, और इसी तरह से हम कैप्सिकम भी काटेंगे। इस तरह से कढ़ाई पनीर में सब्जियाँ डालने से वो देखने में और भी अच्छा लगता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जूलियंस में कटा हुआ अदरक और ग्रीन चिलीज, बड़े बड़े पीसेस में कटे हुए टोमेटो, साथ ही ऐड कर देंगे पनीर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, टर्मरिक पाउडर, सूखा गरम मसाला जो हमने पहले से ग्राइंड करके रखा है, और साथ ही वो ग्रेवी जो हमने सबसे पहले रेडी की थी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे और आपका कढ़ाई पनीर रेडी हो जाएगा। चिकन पकौड़ा बनाने से पहले चलिए देख लेते हैं डेजर्ट की एक रेसिपी। तो उसके लिए मैंने 2 बड़े बड़े एप्पल्स को पील करके छोटे पीसेस में काट के उसको एक पैन में रख दिया है। साथ ही 2 चम्मच डाले हैं उसमें पाउडर शुगर। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको 15 से 20 मिनट तक इसको अच्छे से पकने देंगे। उसके बाद मैशर की हेल्प से इसको मैश कर लेंगे।
दूसरी साइड एक कटोरी में मैंने थोड़ी सी मलाई ली है, आप मलाई ले सकते हैं या क्रीम ले सकते हैं जो मार्केट में मिलती है, उसको अच्छे से फेंट लेंगे जब तक थोड़ी सी वो थिक नहीं हो जाती। क्रीम या मलाई कुछ भी हो फ्रेश लें। साथ ही लिए हैं डाइजेस्टिव बिस्किट्स, इनको थोड़ा सा बीट कर लेंगे हम क्रंची टेस्ट के लिए। ये डेजर्ट बच्चों को बहुत पसंद आता है, एक तो ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी भी होता है। तो अब हम लेंगे 2 ग्लासेस और इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच एप्पल पल्प जो हमने रेडी करके रखा है। उसके बाद इसमें डालेंगे हम क्रीम और साथ ही डाल देंगे इसके ऊपर बिस्किट्स की लेयर, और इसी तरह से एक दूसरी लेयर हम फिर से रेडी करेंगे, सेम एप्पल पल्प क्रीम एंड बिस्किट्स, और बिस्किट्स का इसमें बहुत ही क्रंची टेस्ट आता है। तो चलिए स्नैक्स के लिए बना लेते हैं फटाफट चिकन पकौड़ा। 1 kg के अराउंड मैंने बोनलेस चिकन लिया है, साथ ही इसमें डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला, रेड चिली का पेस्ट, और साथ ही इसमें ऐड किया है मैंने चाट मसाला। अब डालेंगे 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 egg डाला है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही ऐड कर रही हूँ यहाँ पे कड़ी पत्ता, इसको क्रश करके डाल दिया है, और कढ़ाई में तेल गरम है और फटाफट तल लेंगे इसके पकौड़ाज। जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो सब जानते हैं कि मम्मा नॉनवेज नहीं खाते हैं, उनके लिए एक वेज रेसिपी बनती ही है, लेकिन आज पापा और मम्मा दोनों आउट ऑफ स्टेशन हैं, उसके बावजूद भी मैंने दोनों चीज़ें बनाई हैं। पकौड़ाज है तो ग्रीन चटनी तो बनती है, उसके लिए जार में मैंने लिया है कटा हुआ प्याज, साथ ही ग्रीन चिली, अदरक के कुछ पीसेस, धनिया और पुदीना दोनों, पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। आप धनिया ऐड करेंगे तो आपकी चटनी सेम ऐसे ही बहुत ग्रीन बनती है। अब सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, लेमन का जूस, और आपकी चटनी भी रेडी है। बहुत ही फास्ट और जल्दी रेडी होने वाला डिनर बनाने के बाद, सो इट्स फैमिली टाइम। तो चलिए एंजॉय करते हैं वीकेंड गपशप विद यमी डिनर, इसके बाद कोई मूवी या बच्चों के साथ कुछ गेम्स, एंड दैट्स ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।